दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी भगवान के प्रति विश्वास की है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक साधु, सांप तथा कछुआ और बिच्छू। आइए कथा श्रवण करें। एक बुजुर्ग आदमी नदी के किनारे जा रहे थे। एक जगह देखा कि नदी की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने नदी के अंदर छलांग लगाई और कछुए के पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए नदी में तैर कर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा है, उसके रास्ते में एक साधु बड़े ध्यान लगाकर आंखें बंद करके भगवान का नाम जप रहे हैं। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस साधु को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वह चंद कदम आगे ही बढ़े थे कि उन्होंने देखा, दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप उस साधु को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने ठीक उसी हालत में सांप के डंक के ऊपर डंक मारकर उसे बेसुध कर दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब साधु उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने आपकी कैसे हिफाजत की है। उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठा कर सांप से आपकी रक्षा की है। साधु उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद करके भगवान को याद कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे भक्त, जब वो बुजुर्ग जो तुझे जानता तक नहीं था, वो तेरी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तू तो मेरे काम में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। साधु ने कहा, वाह भगवान वाह, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।